नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। कल लॉन्च होगा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप अलाइनमेंट, उपराष्ट्रपति करेंगे लॉन्च। कानपुर एनकाउंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई, पुलिस वाला ही निकला मुखबर। चंडीगढ़ में मुख्य मार्गों पर बैठने वाले वेंडर्स के खिलाफ निगम हुआ सख्त, 200 से अधिक रेहड़ियां हुई जब्त। पंजाब के जिला मोहाली और अमृतसर में एक दिन में 2 उड़ानों के लिए पंजाब सरकार की अनुमति। मनोहर सरकार की योजना मेरा पानी मेरी विरासत हुई कामयाब, भूजल बचाने के लिए आगे आए किसान। पानीपत के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 8 साल के बच्चे की मौत के बाद हुआ बवाल। हिमाचल में कोरोना वायरस से 9वीं मौत, सुजानपुर के 70 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम, शुगर और किडनी की रोग से था पीड़ित। अब खबरें विस्तार से। यदि आपको भी किसी मेड इन इंडिया सोशल मीडिया ऐप की तलाश थी तो आपकी तलाश अब खत्म हो गई है। कल यानी 5 जुलाई को देश का पहला सोशल मीडिया ऐप अलाइनमेंट्स लॉन्च होने वाला है। खास बात यह है कि इस ऐप की लॉन्चिंग उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस वालों के एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे के किले को जेसीबी ने रौंद डाला। कार्रवाई के दौरान विकास दुबे की महंगी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी बराबर जेसीबी चलाई गई। पुलिस टीम पर हमले के मामले में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। यूपीएसटीएफ विनय तिवारी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि एसओ विनय तिवारी पर मुखबिरी करने का शक है। कोरोना महामारी के चलते देश प्रदेश में फंसे अपने लोगों को लेकर पंजाब सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए मोहाली और अमृतसर एयरपोर्ट पर दिन में 2 उड़ानों को लैंड करने की इजाजत दे दी है। इसकी सिफारिश एयर कंपनीज द्वारा काफी समय से की गई थी, जिसके चलते फंसे लोगों को वापसी लाने के लिए जिला प्रशासन ने एयर कंपनीज को इसकी इजाजत दे दी है। चंडीगढ़ के नगर निगम ने शहर के प्रमुख मार्गों पर काम करने वाले वेंडर्स के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। कमिश्नर के यादव ने V1, 2 और V3 रोड पर बैठने वाले वेंडर्स को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 3 दिन में नगर निगम ने 200 से ज्यादा वेंडर्स की रेहड़ियां जब्त कर ली हैं। हरियाणा में गिरते भूजल को बचाने के लिए किसान आगे आए हैं। सरकार के आह्वान पर किसानों ने पहली बार 1.4 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में धान की खेती छोड़ने का मन बनाया है। हरियाणा में करीब 8.5 लाख हेक्टेयर रकबे में धान की खेती की जाती है। इस योजना के तहत सरकार ने यह टारगेट रखा था कि इस साल कम से कम किसान 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान के बजाय अन्य खेती करें। अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की स्थिति देखें तो सरकार अपने लक्ष्य से पार पा चुकी है। मॉडल टाउन के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जांच अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से हिमाचल में नवी मौत हो गई है। हमीरपुर के 70 साल के बुजुर्ग ने शुक्रवार देर रात मंडी के नैरचौक अस्पताल में दम तोड़ दिया। सुजानपुर निवासी 70 साल का बुजुर्ग मधुमेह और किडनी के रोग से पीड़ित था। उसे कोविड केयर सेंटर भोटा से 28 जून को नैरचौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।